subscribe my channel and press bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से तरोचक जानकारी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं बुरी से बुरी नज़र उतारने के बहुत ही आसान तरीके। आप लोगों ने देखा होगा, घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो जब हंसने खेलने वाले हो जाते हैं तो वे अक्सर बीमार होने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। जिन बच्चों को नज़र लग जाती है वे बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको दूध भी नहीं अच्छा लगता, वो दूध भी नहीं पीते हैं, खेलते भी नहीं हैं और बस रोते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उन बच्चों की नज़र कैसे उतारें बहुत ही आसान तरीके से। पहला है फ्रेंड्स, नमक, राई, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके, सूखी लाल मिर्च जिसमें डंठल लगा हुआ हो, अंगारे पर डालकर उस आँख को नज़र लगे हुए व्यक्ति या बच्चे पर 7 बार उतारने से बुरी नज़र का दोष कम हो जाता है। दूसरा है, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं, प्रेम पूर्वक हनुमान जी की आराधना करें, उनकी पूजा करें और उनके कंधे पर से सिंदूर लाकर नज़र लगे हुए बच्चे या व्यक्ति के माथे पर टीका लगाएं। ऐसा करने से बुरी नज़र का प्रभाव कम होता है। तीसरा है फ्रेंड्स, कई बार देखा गया है कि भोजन में नज़र लग जाती है। भोजन में नज़र लग जाने पर भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। उस अवस्था में जब घर में भोजन पके और भोजन पर नज़र लगी हो तो तैयार भोजन में से थोड़ा थोड़ा एक पत्ते पर लेकर घर में जो भी पका है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो भी पकाया हो, एक पत्ते पर निकाल कर उसके ऊपर से गुलाब की कुछ पत्तियाँ छिड़क कर उस पत्ते को किसी चौराहे या रास्ते पर रख दें। ऐसा करने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है। चौथा है, नज़र लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रख कर खिलाएँ। नज़र लगा हुआ व्यक्ति अपने इष्ट देव का नाम लेकर पान खा ले, ऐसा करने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म होता है। पांचवा है, लाल मिर्च, अजवाइन, पीली सरसों को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में जलाएं, फिर उसकी धूप नज़र लगे हुए बच्चे को दें। किसी भी प्रकार की नज़र हो ठीक ज़रूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन उपायों को करने से बच्चे पहले की तरह स्वस्थ और हंसने खेलने लगते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।